दोस्तों, हमने कई पुरानी फिल्मों में देखा है कि नाग को मार देने के बाद नागिन हमेशा उसकी मौत का बदला लेती है और वो मारने वाले की छवि अपनी आंखों में कैद कर लेती है। लेकिन क्या ऐसा सच में कुछ होता है या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं? दरअसल दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि सांपों का दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वो अधिक समय तक किसी भी घटना को याद रख सके। इनकी याददाश्त सिर्फ कुछ ही दिनों की होती है, मतलब ये किसी भी घटना को सिर्फ कुछ ही दिनों तक याद रख सकते हैं। फिर बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। असल में होता यह है कि सांप एक दूसरे सांप से कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए अपने शरीर से एक बहुत ही खास प्रकार का केमिकल छोड़ते हैं और इसी केमिकल की गंध की वजह से सांप एक दूसरे सांप की बातों को समझता है। और जब कोई इंसान सांप को मारता है तो मरते वक्त वो सांप अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में एक केमिकल को रिलीज करता है और उसी केमिकल की वजह से आसपास मौजूद सांप उस मरे हुए सांप के पास आने लगते हैं, जिससे हमें लगता है कि सांप हमसे बदला लेने आए हैं। ऐसा खास तौर पर जंगली इलाकों में होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सांप सच में बदला लेते हैं? कमेंट करके जरूर बताना।